मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश में एक और हादसा दर्ज हुआ है। अंधेरी मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आप देख सकते हैं, सुबह में 5:30 बजे के लगभग मुंबई की तरफ दौड़ रहा एक भाजी तरकारी का एक ट्रक जो है अचानक जो है संतुलन खो जाने के कारण जो है पलट चुका है। आप देख सकते हैं अंधेरी हाईवे ब्रिज के ऊपर और एक वैगनार कार के ऊपर इसकी जो है टक्कर लगी है। वैगनार कार में भी कुछ लोग मौजूद है और जो वाहन चालक थे ट्रक के, शायद इसे बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई है, उसे सीरियस अवस्था में जो है पास के जो है ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल एक ही चिंताजनक अवस्था है, वैगनार कार में वाहन चालक जो है वो कार दबी होने के कारण जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसके पैर फंसे हुए। आम लोगों की भीड़ ने जो है लगातार पिछले 1.25 घंटे से उनके वाहन चालक को निकालने की जो है प्रयत्न किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और यातायात पुलिस मौजूद है घटना पर और आप देख सकते हैं सुबह 5:30 बजे का वक्त है, यहाँ पे पूरे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और लगातार पुलिस के जवान और ट्रैफिक पुलिस के जवान लगातार जो है ट्रैफिक कंट्रोल को कंट्रोल करने में मुस्तैद है। फिलहाल जो है मुंबई में सुबह शनिवार के दिन एक बड़ा हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही लगातार मलाड की 2 अलग अलग घटनाओं में लगभग 20 से अधिक लोगों की जान गई थी और माना ये जा रहा है कि जिस अवस्था में गंभीर अवस्था में जो घायल है शायद वो चिंताजनक अवस्था में उसकी भी जान का खतरा बिल्कुल बना हुआ है। मुंबई वासियों के लिए शनिवार की सुबह ये एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। मुबारक शेख, मुंबई।